हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। और अब मैं जा रही हूँ स्कैनिंग करवाने, क्योंकि सिर थोड़ा दर्द है तो डॉक्टर ने स्कैनिंग लिखा है, तो मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल स्कैनिंग करवाने। और तिरुपति बालाजी का प्रसाद आया है तो मैंने सोचा इसी इलाके सबको दे दी, बहन को भाभी को, तो वही लेकर जा रही हूँ। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो चलिए मिलती हूँ। इस समय 10 बज रहे हैं, देखिए अगर हॉस्पिटल में टाइम मिलेगा तो मिलेंगे, नहीं तो फिर घर आ जाएंगे। ठीक है, मिलती हूँ मैं आप लोगों से तब तक। सो गाइस, यहाँ पे मैं, ये स्कैनिंग रूम है और मैं बाहर बैठी हुई हूँ, मेरे नंबर का वेट कर रही हूँ। ठीक है, मेरा नंबर आते ही मैं अंदर जाऊंगी। और देखिए मास्क वगैरह मैंने लगाया हुआ है, मैं घर में कैसे भी रहूं लेकिन बाहर बिना मास्क के मैं नहीं जाती। ठीक है, तो आप लोग भी कुछ इस तरह, मुझे ये मास्क ना बहुत कंफर्टेबल रहता है पहनने में, और दूसरा मास्क चिपका रहता है, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये स्कैनिंग रूम है, वो उधर थोड़ा कर रहे थे तब तक मैंने वीडियो बना लिया। और डॉक्टर को दिखा के, डॉक्टर के यहाँ एंट्री नहीं है, मोबाइल अलाउ नहीं है, तो दिखा उखा के फिर मैं आई। तो डॉक्टर ने ही बताया कि जो गर्दन का हड्डी है ना, वो थोड़ी सी उसमें स्मेलिंग आ गई है, थोड़ी सी चिटकन आ गई है, तो वीडियो वीडियो थोड़ा दिन मत बनाओ, वही सब बोल रहे थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसके लिए मैंने बहुत छोटा सा वीडियो ही डाला है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। मैं कुछ दिन YT पे नहीं रहूँगी, बीच बीच में वीडियो डालती रहूँगी, 2-4 दिन 10 दिन पे, लेकिन रोज़ नहीं डाल पाऊँगी, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाजू में बेल आइकन उसको बजा दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन तो पहुँचती। कमेंट कीजिएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और ऑटो में बैठी थी, बहुत ज़्यादा हील रहा था, तो उसके लिए भी प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे से पैदल चला नहीं जा रहा था, तो इसके लिए मैंने क्या किया, ऑटो बुक कर लिया। ठीक है, चले घर पर चल के मिलती हूँ मैं आप लोगों से, बाय, सी यू सून, लव यू गाइस। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। मेरी तबीयत ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मेरे पीछे जो यहाँ की हड्डी है ना, उस हड्डी में थोड़ी सी स्क्रैच जैसी आ गई है, तो इसके लिए वीडियो नहीं आ पा रहा है। जब तबीयत ही नहीं सही रहता तो वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता, आप लोगों को तो पता है। बस देखिए अभी खड़ी हूँ ना, तो जैसे जैसे चक्कर आ रहा है मुझे, तो यही सब है। मैंने बहुत दिन से बाल भी नहीं बांधा है, करीब मुझे 8 दिन हो गया बाल बांधे हुए। मैं सोच रही हूँ कल मैं अच्छे से बाल धोऊंगी, उसके बाद तब मैं थोड़ा कंघी करूंगी धीरे धीरे, क्योंकि मैं गीला बालों में जो कंघी करती हूँ ना, तो आसानी से फूट जाता है, और ऐसे करूंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो यही सब है, खाना बनाना है, खाना है थोड़ा सा, बहन खाना बना के थोड़ा सा भेज देगी तो हो जाएगा। खाना भी नहीं बना पा रही, कुछ भी नहीं हो पा रहा है मेरे से, मैं चल फिर भी नहीं पा रही हूँ, इतना ज़्यादा बीमार हो गई हूँ। आप लोग समझ सकते होंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो यही सब है, इसके लिए मेरा वीडियो नहीं आ रहा है। मैंने सोचा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँ कि मैं क्यों वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, और मेरा वीडियो देखते रहिए। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को बिना स्किप किए हुए प्यार देखिएगा, बाय। हॉस्पिटल से आने के बाद ना मैं सो गई थी, 4 घंटा सोई,
नींद की दवाई है वो, जब खाती हूँ तब तो मुझे नींद आ जाती है, तो मैं सोच रही हूँ खाना वाना खा लूँ तो फिर सो दवाई खा के। ठीक है, आंखें देखिए सूजी हुई है। सब यही सब है, हॉस्पिटल भी बाल नहीं बांधी, वैसे ही चली गई थी, जब दर्द होता है तो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ तब तक, बाय।